बॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके सभी के दिलों में राज करते आ रहे हैं। वहीं हमेशा इनकी हर एक फिल्मों की जमकर तारीफें भी की जाती रही है, जिसके चलते उन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा और भी कई इंडस्ट्रीज में अपना खास मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के चार ऐसी फिल्में हैं जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है, पर उनकी लाडली बेटी दिशानी चक्रवर्ती, जो अपने पापा की हर एक फिल्म को पसंद करती हैं, वह इन चार फिल्मों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वह फिल्म और ऐसा क्या है उन फिल्मों में जिन्हें दिशानी चक्रवर्ती नहीं देखना चाहती। वेल, बात करें इस लिस्ट की पहली फिल्म के बारे में तो साल 1995 में आई एक्शन फिल्म जल्लाद का नाम ही सबसे पहले शुमार होता है, जिसके निर्देशक TLV प्रसाद हैं और इसे 15 सितंबर 1995 को बड़े पर्दे पर प्रसारित किया गया था। बता दें कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, जो कोरियर के समकक्ष बेटे के रूप में सकारात्मक और पिता नकारात्मक भूमिका में है। लेकिन दिशानी चक्रवर्ती कभी नहीं चाहती कि मिथुन चक्रवर्ती किसी भी फिल्म में बैड कैरेक्टर में नजर आए। वहीं इस फिल्म में मिथुन के नकारात्मक भूमिका की वजह से दिशानी मिथुनदा की इस फिल्म को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नंबर 2, शपथ। साल 1997 में मशहूर डायरेक्टर राजीव बाबर के डायरेक्शन में बनी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शपथ भी उनकी बेटी दिशानी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में दिशानी चक्रवर्ती को मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वैसे भी मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में लंबे लंबे बालों के साथ काफी अजीब लग रहे थे और इसीलिए ही दिशानी उनकी इस फिल्म को देखना नहीं चाहती। नंबर 3, ओ माई गॉड। वह इस फिल्म के बाद नाम आता है डायरेक्टर उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित फिल्म ओ माई गॉड की, जो कि साल 2012 में रिलीज की गई थी। बता दें कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ढोंगी बाबा का किरदार निभाया था, जो कि दिशानी चक्रवर्ती को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि दिशानी चक्रवर्ती अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती को भगवान की तरह मानती हैं और वह कभी नहीं चाहती कि मिथुन चक्रवर्ती इस तरह के ढोंगी बाबा का किरदार निभाए। नंबर 4, चिंगारी। साल 2006 में डायरेक्टर कल्पना लाजमी द्वारा बनाई गई फिल्म चिंगारी भी उन फिल्मों में शामिल है, क्योंकि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती देवी के ग्राम पुजारी का किरदार निभा रहे थे और वह खुद को भगवान का स्वरूप मानने लगते हैं, साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को झुकाते हैं। वह इन सब चीजों को दिशानी चक्रवर्ती बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि दिशानी चक्रवर्ती अपने धर्म को बहुत ही दिल से मानती है और यही वजह है कि दिशानी यह फिल्म भी देखना पसंद नहीं करती। वेल, मिथुन चक्रवर्ती की इन चार फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।